भाइयों और बहनों, आज के नौजवानों, 21वीं सदी में पहली बार वोट डालने जा रहे युवकों को मैं इनके मिशन महामिलावट से सतर्क करना चाहता हूं। मिशन महामिलावट यानी केंद्र में ऐसी खिचड़ी सरकार जो कमजोर रहे, जिस सरकार में ये लोग करोड़ों का अरबों का रुपया इधर से उधर कर पाए, जो इनके परिवारों को, इनके रिश्तेदारों को गुलाम की गुलामी करने के लिए मजबूर कर दे और जो चाहे वैसे अनाप शनाप सही गलत काम करवाते रहे, एक किसी भी कीमत पर देश में एक मजबूत पूर्ण बहुमत वाली सरकार नहीं चाहते। साथियों, कांग्रेस और उसके साथियों ने आज से 23-24 साल पहले भी ऐसे ही मिशन महामिलावट का खेल शुरू किया था। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री न बन पाए, इसके लिए कांग्रेस ने कई दलों को इकट्ठा कर लिया था। नतीजा क्या हुआ? हर दो साल में वो ऐसा समय गया देश का, हर दो साल तीन साल सरकार बदलती थी, प्रधानमंत्री बदलते थे, बार बार चुनाव आते थे, देश कोई काम ही नहीं कर पा रहा था और कांग्रेस को मजा आ रहा था। वो पीछे से खेल खेलता रहता था। भाइयों बहनों, और मौका पड़ते ही वो डोर खींच लेता था, सारा ध्वस्त हो जाता था। उनको देश की चिंता नहीं थी, देश की युवा पीढ़ी की चिंता नहीं थी, रोजगार की चिंता नहीं थी, किसान की चिंता नहीं थी, उनको तो अपना खेल चलता रहे, यही उनका था। आज भी कांग्रेस को मालूम है वो सरकार किसी भी हालत में नहीं बना सकते, लेकिन वो चाहते हैं कि डोर खींचने का काम उसको मिल जाए, खिलौनों की तरह सरकार खेलती रहे, ये उनका है। क्या आप ऐसी स्थिति फिर से चाहते हैं? भाइयों बहनों, ऐसी डामाडोल स्थिति चाहते हो? ऐसी डामाडोल स्थिति हमें मंजूर है? क्या 21वीं सदी का भारत ऐसी स्थिरता कभी पसंद करेगा? भाइयों बहनों, ऐसी अस्थिरता हमें नहीं चाहिए, हमें स्थिर और मजबूत सरकार चाहिए। साथियों, इन लोगों को आपके बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है, ये अपने भविष्य को बचाने में जुटे हुए हैं।